धमाकों से दहला नॉर्थ गाजा, ब्रेक करिए विद द वीडियो। सीज फायर के बीच गाजा पर हमले की खबर, इजरायली सेना पर हमले का आरोप। ये बड़ी खबर, धमाके से दहला, धमाके से, टिकर में भी करे कराइए, धमाके से दहला नॉर्थ गाजा। अभी सिर्फ एक जगह धमाके की रिपोर्ट आ रही है। सीज फायर के बीच गाजा पर हमले का आरोप है, इजरायली सेना पर हमले का आरोप लगाया गया है। इजरायल गाजा सीज फायर का छठा दिन है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। गाजा में धमाका, यह बड़ी खबर, इजरायल के ऊपर धमाके का आरोप। सीज फायर का छठा दिन, क्या सीज फायर टूटा है, ये बड़ी खबर है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आइए, उत्तरी गाजा में आईडीएफ पर हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। सिर्फ ब्रेकिंग, दो इलाकों में इजरायली सेना पर अटैक किया गया, सिर्फ ब्रेकिंग। इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग, यह भी कहा जा रहा है। इजरायली सेना पर आईडीएफ अटैक का दावा, यह भी कहा जा रहा है। आईडीएफ ने हमास पर लगाया हमले का आरोप, सीज फायर उल्लंघन का लगाया आरोप, यह बड़ी खबर आ रही है। मैं इसका आपको एक सिंबॉलिक शॉट दिखा रहा हूं, राहुल बगल में वीडियो दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ पर हमले का आरोप, दो इलाकों में इजरायली सेना पर अटैक का आरोप, इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग, इजरायली सेना पर आईडी अटैक का दावा, यह बड़ी खबर है। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई, ब्रेकिंग दिखाइएगा। गाजा में टूट तक सकता है सीज फायर, ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा में झड़प की खबर, हमास ने आईडीएफ पर लगाया सीज फायर तोड़ने का आरोप, हमास प्रवक्ता ने कहा आईडीएफ का उकसावा, इजरायली सेना कर रही है ग्राउंड अटैक, हमास ने कहा। राहुल ये भी ब्रेकिंग दिखाइए विजुअल के साथ, ये देखिए, गाजा में टूट सकता है आरोप। ये तीनों खबरें इंडिकेट कर रही है कि कुछ बड़ा हो रहा है। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त तक जुड़े हुए हैं जल के सिन्हा सर। सिन्हा सर, वेरी क्विक रिएक्शन में आपसे लेना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ डिटेलिंग आ रही है, सीधे आइए राहुल जरा क्विकली दर्शकों को ये डिटेलिंग देना चाहूंगा मैं। ये देखिए, गाजा में तनाव, टूटेगा सीज फायर, ये बड़ा सवाल है। हमास ने आईडीएफ पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया, उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्सेस पर सीज फायर तोड़ने का आरोप। तब तक सीज फायर मान रहे हैं जब तक इसराइल से इसराइल इसे मान रहा है, हमास ने कहा। इसराइली सेना युद्ध विराम की सभी शर्तों को माने, हमास ने कहा। इसराइली सेना के काफिले पर हमले की खबरें सामने आई, ये बड़ी खबर राहुल। तीनों ब्रेक, तीनों शॉट सीधे सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या ये सीज फायर टिकेगा? मुझे नहीं लग रहा, व्हाट इज योर टेक? मुझे तो लग रहा है द फायर इज ऑलरेडी बर्निंग, स्पार्क्स दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। देखिए, ये सीज फायर इतने लंबे समय के बाद जो हुआ है, टेंपरेरी सीज फायर है, जिसकी मियाद 4 दिन से बढ़कर फिर उसमें एड्स जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐड होते हैं, उसमें एक चीज तो वेरी क्लियर है कि इसराइल वो करना चाहता है जो उस चीज जो अभी करता आया है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ पर बंधक बनाए गए थे, और बंधक को 50 बंधकों को रिहा करवा लेना अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, दो बड़ी चीज़ें हैं जो क्या आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्या हमास के पास पूरी कैपेबिलिटी है, जो कहा जा रहा है 240 बंधकों का 190 के आसपास बचे हैं, क्या उनके पास पूरी नफरी है या पूरा कंट्रोल है? मेरे को थोड़ा शक है इसके ऊपर में। मगर जिस तरह से बंधके आए हैं और उनका जिस तरह से मैं देखा हूँ फिजिकल कंडीशन, बड़ा अच्छा लगा कि देखिए हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमास चाहता है सीज फायर लंबा खींचे, लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि सीज फायर खींचे। और यही कैट एंड माउस का गेम ही ऐसा होता है। सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है। सिन्हा सर, बी विद मी, बड़ी खबर इस वक्त की, फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ गाजा में दिखे इजरायली ड्रोन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, नॉर्थ गाजा के कई इलाकों में अलर्ट, बड़ी खबर। नॉर्थ गाजा के अंदर तनाव की खबरें, दो दिन पहले गाजा में दिखे थे आईडीएफ के फाइटर प्लेन। राउंड नॉर्मल ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा, बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ गाजा के कई इलाकों में अलर्ट, नॉर्थ गाजा में दिखाई दिए ड्रोन। मैं जाऊंगा जरा राहुल, तुरंत
इस खबर का विजुअल भी प्ले करिए, ये प्रतीकात्मक विजुअल है क्योंकि एग्जैक्टली ड्रोन देखने की खबर आई है। और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए बिपिन के पास। बिपिन, प्योरली नॉर्दर्न गाजा पर मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, हो क्या रहा है? सुबह धमाका, उसका विजुअल भी है, नॉर्दर्न गाजा में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा कि वहां पर फाइटर प्लेन्स भी थे, क्या हो रहा है बिपिन? क्या ऐसा लग रहा है कि जिसको कहते ना अंग्रेजी में दे आर वेरी एजी राइट नाउ, मतलब कुछ कुछ सुगबुगाहट है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल, इस बात से जरा सा भी इनकार नहीं किया जा सकता निशांत, क्योंकि आप जानते हैं कि सीजफायर भले छठवां दिन हो और आज खत्म हो रही है इसकी म्याद, यानी कल सुबह कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना यह है कि सीजफायर बढ़ जाएगी। इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली है, दहलाने वाली है, और ये माना जा रहा है कि वहां अभी चिंगारी भड़क सकती है कभी भी, और उसकी सुगबुगाहट दोनों तरफ से नजर आ रही है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। एक एक विजुअल दिखाने वाला हूं, आप जो बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से चिढ़ा रहा है हमास।